अनुभव हम लगातार बीते दिनों से देख रहे थे। किसान परेशान थे, लंबी लंबी कतारों में लगे हुए थे, किसानों की आंखें तक नम थी आलू किसानों की परेशानी को देखते हुए। लेकिन अब जो सरकार ने ये फैसला लिया है, क्या लग रहा है कि आलू किसानों को क्या कोई बड़ी राहत मिली है? क्या है किसानों का रिएक्शन? देखिए, बिल्कुल आलू किसानों की समस्या पिछले कुछ दिनों से देखने को मिल रही है। इसके पीछे वजह क्या है? वजह यह है कि दरअसल आलू का जो उत्पादन था उत्तर प्रदेश में, वो बढ़ गया और काफ़ी बढ़ गया। जो रकबा था वो बढ़ गया, यानी जितना आलू पहले उत्पादन होता था उससे ज़्यादा आलू की पैदावार हो गई। इसलिए जब कोई भी चीज़ जिसकी सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी और फिर डिमांड कम हो जाएगी, तो सीधे सीधे उसका रेट पर, पैसे पर अंतर पड़ता है। और यही वजह है कि किसानों को जो है अब उनको लग रहा है कि उचित दाम नहीं मिल पा रहा है, यानी बहुत कम मिल रहा है आलू का दाम आलू किसानों को। ये एक समस्या है। देखिए, जो किसान आलू उत्पादन कर रहा है, उसके खेत में आलू की पैदावार है, आलू है, अब उस वो रेट नहीं मिल पा रहा बाजार में जो वो चाह रहा है या जो उसने खर्चा किया। इसी को लेकर दो तीन दिन पहले आपने देखा शिवपाल यादव ने पहले एक ट्वीट किया कि सरकार आलू खरीदे, और अब जो साफ तौर पर सरकार की योजना है उसमें ये कहा गया है कि जो एजेंसियां हैं, जैसे नेफेड हो गई, हैफेड हो गई, ये जो एजेंसियां हैं विपणन की एजेंसियां, इनको कहा है कि भाई किसानों का जो आलू है उसको खरीदिए और 650 रुपये प्रति क्विंटल का जो दर है उससे कम पर किसान का कहीं पर भी नुकसान ना होने पाए, इसलिए सरकार ने ये कहा है। और एक या दो दिन में खुद जो खाद्य प्रसंस्करण उद्यान मंत्री हैं दिनेश प्रताप सिंह, क्योंकि आलू जो है वो इसी विभाग के अंतर्गत आता है, तो वो खुद इसकी घोषणा करने वाले हैं। हालांकि उससे पहले ही ट्विटर पर इसे लेकर सरकार को घेरने में समाजवादी पार्टी जुट गई, अखिलेश यादव जुटे हैं, शिवपाल यादव जुटे हैं। शिवपाल यादव ने तो यहाँ तक ट्वीट कर दिया कि भाई 250 रुपये कि 2500 का जो है वो बीज ला रहा है प्रति क्विंटल, उस पर हमने बात की दिनेश प्रताप सिंह से, वो कह रहे हैं कि भाई शिवपाल जी तो सीनियर नेता, उनको पता होना चाहिए कि शिमला मिर्च का जो बीज है वो 1,00,000 क्विंटल मिलता है, तो क्या बीज के रेट से जो होता है उस हिसाब से फसल का रेट नहीं दिया जाता? तो सरकार का अपना जवाब, वो कह रहे हैं कि हम आलू खरीद रहे हैं, आज से पहले तो कभी किसी ने आलू खरीदा नहीं, उनका अपना तर्क है, समाजवादी पार्टी का अपना ट्वीट है, उस पर वो सरकार को घेरने में जुटे हैं। लेकिन जिस तरह से अखिलेश यादव ने लिखा है कि इस बार आलू सरकार बदल देगी, कभी प्याज के लिए जो कहा जाता था वो इस बार अखिलेश यादव ने आलू के लिए कहा है, अब सरकार उसमें साफ तौर पर कह रही है कि हमारी सरकार तो आलू भी खरीद रही किसानों से। ठीक है अनुभव, मैं लौटती हूँ आपके पास, प्रतिक्रियाएं ले लेते हैं हम। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी जुड़े हुए हैं और भाजपा के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राकेश जी, सबसे पहले मेरा सवाल आपसे रहेगा, देश का एक ऐसा राज्य जहां पर सबसे ज्यादा आलू की पैदावार होती है, और इस बार तो और ज्यादा हुई, ये गर्व की बात होनी चाहिए थी किसानों के लिए, लेकिन किसान रो रहा है, किसान परेशान है। आपने एक फैसला लिया कि 650 रुपये प्रति क्विंटल की दर से हम आलू खरीदेंगे, लेकिन क्या आपको लगता है कि ये फैसला काफी है? क्योंकि कम से कम समाजवादी पार्टी को तो ये नहीं लगता। देखिए पूजा जी, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की योगी आदित्यनाथ सरकार जब वर्ष 2017 में पहली बार बनी तो 86,00,000 किसानों का 36,000 करोड़ रुपए कर्ज माफ करने से हमने अपने कैबिनेट की पहली शुरुआत की। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार किसानों के लिए समर्पित थे, इसके उदाहरण आप चाहे गेहूं का किसान हो, चाहे धान का किसान हो या गन्ना का किसान हो, आप इन तीनों मसलों पर देख सकते हैं कि 6,00,000 मीट्रिक टन अखिलेश यादव ने अपनी सरकार के शासनकाल के अंतिम वर्ष में खरीदा था, और पहले वर्ष में ही 36,00,000 मीट्रिक टन और अंतिम वर्ष में 67,00,000 मीट्रिक टन हमने धान खरीदने का काम किसान का उत्तर प्रदेश में किया। चाहे गेहूं की खरीदारी हो या धान की खरीदारी, और रिकॉर्ड खरीदारी, यानी पिछली सरकारों से 6 गुना 7 गुना ज्यादा खरीदारी करने का काम, और DBT स्कीम के तहत सीधे उनके खाते में पहुंचाने का काम किया। 92,000 करोड़ रुपए गन्ना मूल्य का भुगतान अखिलेश यादव जी ने अपने शासनकाल में किया, और 1,56,000 करोड़ रुपए गन्ना मूल्य भुगतान 5 पिछले 17 सत्रों में योगी आदित्यनाथ सरकार ने किया है। देखिए, हम चाहे गेहूं के किसान हो, धान के किसान हो, गन्ना किसान, सबके लिए किया। उत्तर प्रदेश में आलू का पहली बार अगर कोई सरकार मूल्य देने का काम कर रही है 7 जिलों में पायलट प्रोजेक्ट के तहत में, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। लेकिन राकेश जी, 650 रुपए प्रति क्विंटल की दर से आप खरीद रहे हैं, सवाल ये उठ रहे हैं आप पर कि 2500 रुपए प्रति क्विंटल की दर से तो किसान बीज खरीदता है, आप कम से कम 1500 रुपए प्रति क्विंटल तो दीजिए, आप 650 रुपए प्रति क्विंटल देके किसानों के साथ मजाक कर रहे हैं, ये आरोप शिवपाल यादव ने आप पर लगाए हैं। देखिए, शिवपाल सिंह यादव किसान रहे हैं या नहीं रहे हैं, इस बात को लेकर के बड़े सवाल है। बीज से उत्पादन कितना होता है, एक बीज से कितने पौधे बनते हैं और उससे कितना उत्पाद निकल करके आता है, क्या इसका सामान्य गणित किसी सामान्य व्यक्ति को समझ में नहीं आता है? क्या बीज के मूल्य और उत्पाद का मूल्य दोनों साथ बराबर हो सकते हैं? एक आम के पौधे में को की कीमत क्या होगी और उस पर लगी हुई पूरे आम की फसल की कीमत क्या होगी, क्या इसको लेकर के तुलना की जा सकती है?
ये इस प्रकार के जो कुतर्क करने का काम करते हैं उनकी राजनीतिक समझ पर भी बहुत हंसी आती है कि क्या उन्होंने कभी खेती किसानी कभी देखी है, खेती किसानी को कभी समझा है। और शिवपाल सिंह यादव से तो इस बात की अपेक्षा नहीं थी। हाँ, अखिलेश यादव ये बात कहते तो जरूर माना जा सकता था कि आज अखिलेश यादव को 650 रुपए प्रति क्विंटल आलू किसानों को देना, ये आपके लिए आपको लगता है कि काफी है? एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।